فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ गुफ्तगू हो जाएगी, बड़ी लंबी गुफ्तगू भी होगी, लेकिन उसको मुख्तसर करके आपके सामने पेश कर दे कि आसमानों और जमीन में जितने भी क्या कुल यौमी कुल जो इसके पहले का हर चीज को फना है, कुल मन अलैहा फान जो कुछ भी है इसको फना हो जाना है, या वही यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ध अब जमीनों में और आसमानों में जो भी है का वो क्या है, यसअलुहु उसके सवाली, अल्लाह तबारक व तआला के सवाली, अपना दस्त अपना हाथ उसकी बारगाह में फैलाए हुए हैं। जितनी भी चीजें हैं ये चीजें ऐसी है ही नहीं कि जो अल्लाह तबारक व ताला की मदद अल्लाह तबारक व ताला के करम की मोहताज ना हो। कायनात में जितनी भी चीजें हैं हर हर चीज अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और उसके फजल और उसकी मदद की मोहताज है। कैसे मोहताज है इसको थोड़ा सा यूं समझे कि हम अपने वजूद में अपनी पैदाइश में अपने होने में क्या अल्लाह के मोहताज नहीं? अगर हम अपनी पैदा जो यूं कहते हैं ना मैं जिंदा हूं ये मेरी जिंदगी है ये मेरी लाइफ है का तेरी कब से है तेरी जिंदगी कहां से है का तू तो अपने वजूद में भी रब का मोहताज है। जब तक रब न चाहे तेरी मेरी पैदाइश नहीं हो सकती। तो हम तो अपने होने में अपने वजूद में भी रब तबारक व ताला की मदद और उसके फैसले के मोहताज हैं। तो हम अपने वजूद के मोहताज हैं। एक वजूद के बाद का हमको रिस्क उसमें भी मोहताज है। सांस एक ले रहे हैं छोड़ रहे हैं इसमें भी मोहताज है। कोई खाना खा रहे हैं गले से नीचे जा रहे हैं उसमें भी मोहताज। हर चीज में हम मोहताज हैं। इनसे पूछेंगे किनसे हमारे सामने वालों से का ये कहेंगे कि हाँ ये तो सब हम तो पैदा हो गए हमको किसी चीज की जरूरत नहीं हम तो खुद ही कमा लेते हैं खा लेते हैं। अच्छा ठीक है खुद ही कमा लेते हो खा लेते हो मान लेते हैं लेकिन तुम्हारा वजूद यहाँ तो वो मानेगा ना कि हाँ इस वजूद में तो मैं यकीन ईश्वर ईश्वर जो ये कहते हैं ईश्वर का मोहताज इसमें तो वो मान जाएगा ना। और हमारे लिए तो बात ही ये है कि हम मोमिन बहैसियत मुसलमान के इकरार करने के अल्लाह उसके रसूल के फैसलों को मानने के तो हमारा काम हमारा तो यही है कि हम हर लम्हा अपने रब की मदद हर लम्हा अपने रब के मंगते और हर लम्हा अपने रब की रहमत और फजल के उम्मीदवार। क्या ऐसा एक लम्हा भी बंदा गुजार सकता है जो उसके रब के फजल के बगैर जी जाए हो हमारे रब के फजल के बगैर एक कदम हम उठा ले जाए हमारे रब की रहमत के बगैर एक सांस हम ले लें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर चीज को फना होना है वाजिब है लेकिन जो चीजें मौजूद है इस दुनिया में वो हर वो चीज हमारी सवाली है हमसे मांगती लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को किसी की जरूरत नहीं किसी की हाजत नहीं। सुभान अल्लाह। इससे अंदाजा लगाएं कि हम हैं कुदरत वाले कि जिस चीज को हमने बनाया है वो सब मांगते हैं किससे हमसे मांगते हैं और हम ऐसे हैं कि हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का भी पता चलता है। साथ में जो चीज पता चली क्या कि आसमानों और जमीन में जितने हैं सब उसी के सवाली हैं सब उसी के आगे अपना हाथ फैलाते हैं उसी से मांगते हैं। ठीक है कुल यौमिन हुवा फी शानी वो हर दिन किसी काम में है। ये तर्जुमा फरमाएंगे अब यहाँ बहुत सारे लोग गड़बड़ा गए इसका तर्जमा करते करते इसके बाद वाली आयतों में भी ये जो ना समझ में आए ना कभी बंदे को उसमें ऐसा हो जाता है कि या तो फिर इल्म की वजह से बहुत ज्यादा इल्म है
अपने से समझने की वजह से वो इसमें गलती कर जाता है, तर्जमा करने में कभी गलती कर जाते हैं। तो इसकी मुकम्मल जो वजाहत है वो हम कल करें, लेकिन आज जितनी गुफ्तगू आप तक पहुंचानी है वो क्या है कि इसके शान नुज़ूल के बारे में। ये आयत यहूदियों के रद्द में नाजिल हुई। यहूदी क्या कहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जो तुम बुलाते हो कि आओ इस्लाम की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तरफ तुम दावत देते हो एक मानने की, कहिए जो तुम्हारा रब परवरदिगार आलम जो अल्लाह है वो छह दिन तो काम करता है, अल्लाहु अकबर माज़ अल्लाह, हफ्ता सात दिन का होता है ना भाई, हफ्ता शनिचर इतवार पीर मंगल बुध जुमेरा जुम्मा का, तुम्हारा जो खुदा है वो हफ्ते में छह दिन तो काम करता है लेकिन एक दिन वो भी छुट्टी पे रहता है, अल्लाहु अकबर। ये कहा उन्होंने, वही चीज लगता है आज भी हमारे अंदर आ गई, छह दिन काम करेंगे तो इतवार को छुट्टी करेंगे, ठीक है, ऐसे ही एक बात मजाक कही है। तो वो क्या कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हफ्ते के दिन कोई काम नहीं करता, वो छह दिन तो काम करता है लेकिन सातवें दिन कुछ नहीं करता। तो ये इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है क्या, कुल यौमिन हुवा फी शअनिन, वो हर लम्हा हर दिन काम करता है, ठीक है, ये काम करता है। ये लफ्ज भी रब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ रहे ना, काम करता है वो रब जिस्म से पाक है, सुभान अल्लाह, तो जो जात जिस्म से पाक हो उसके लिए कैसे कह सकते, ठीक है। तो यहाँ ये बड़ा एक तलवार का मसला है, ये तर्जमा करते हैं और समझाते हैं वक्त भी, आपके लिए कम तकलीफ है हमारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि हमको आपको समझाना है, तो जब तक हम मुकम्मल नहीं समझेंगे आप तक क्या समझाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में मुकम्मल तफसील कल बताएंगे आपको, लेकिन आज इतना समाप्त करें कि ये यहूदियों ने एतराज किया था अल्लाह तबारक व ताला हफ्ते के दिन माने शनिचर के दिन कोई काम नहीं करता, छह दिन काम में एक दिन काम में नहीं है, ठीक है। तो इस आयत के जवाब में इस आयत को उनके इस कौल के जवाब में इस आयत को नाजिल फरमाया गया, आयत में उनके कौल को बातिल का उनके कौल का बातिल और झूठा होना जाहिर फरमा दिया गया। इस आयत का ये माना फरमाया कि अल्लाह ताला हर वक्त अपनी कुदरत के आसार जाहिर फरमाता है। अब ये कुदरत के आसार जाहिर फरमाते हैं तो ये कैसे पता चलते हैं, पता चलते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला किसी को हर लम्हा रोजी देता है, किसी को जिंदा रखता है, उसी लम्हे किसी को मार देता है, उसी लम्हे किसी को इज्जत दे देता है, उसी के मुकाबले में कल जिसके पास इज्जत थी आज उसको जलील कर दिया जाता है, किसी को एक लम्हे में मालदार कर देता है उसी मालदार को दूसरे दिन गरीब कर देता है। क्या ये सब क्या है, क्या यही तो अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत के आसार है जो हम और आप इस दुनिया में देख रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक लम्हा भी बंदा अल्लाह तबारक व ताला का बंदा अल्लाह तबारक व ताला के फजल और उसकी रहमत के बगैर जी सकता है इस दुनिया में। तो इनका जो ये इतराज, इनका जो ये कहना है कि एक दिन तो कुछ नहीं होता, छह दिन काम होता है, का वो दिन जिसको तुम ये कहते हो कि अल्लाह ताला कोई काम नहीं करता माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन का, उस दिन दुनिया कैसे चलती हो, समझ रहे हैं ना। तो हर लम्हा अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत के आसार इस दुनिया में नजर आते हैं, हर लम्हा हमें नजर आते हैं और वो हर दिन किसी काम में है। ये लफ्ज का की क्यों, तो यहूदियों के एतराज के सबब, यहूदियों ने जो ये कहा कि तुम्हारा जो रब है माज अल्लाह सद बार माज अल्लाह, तुम्हारा जो रब है वो छह दिन तो काम करता है लेकिन एक दिन वो भी कोई काम नहीं करता, ठीक। इसके जवाब में बाकायदा तौर पर कहा गया कि वो हर दिन किसी काम में है। अच्छा, हर दिन किसी काम में, इससे हम और आप क्या माना मुराद लें, अल्लाह तबारक व ताला के लिए मसरूफ और मशगूल ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना जायज नहीं है। मसलन का हम एक काम में मशगूल हैं तो दूसरे की तरफ तवज्जो नहीं है, तो दूसरे में मशगूल हैं तो पहले की तरफ तवज्जो नहीं। अगर घर का काम देख रहे हैं तो दुकान के बारे में मालूम नहीं, दुकान का देख रहे हैं तो घर के बारे में मालूम नहीं। तो एक काम में हम मशगूल हो, बंदा मशगूल हो तो उसे दूसरी चीज के बारे में पता नहीं, एक में मसरूफ तो दूसरे के बारे में मशगूल दूसरे से। का ये रब तबारक व ताला की शान में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो सकता क्या, कि मशगूल व मसरूफ का लफ्ज अल्लाह की जात के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो जात पाक है, लफ्ज उसकी तरफ इस लफ्ज की निस्बत उसकी तरफ नहीं की जा सकती, उसकी जात पाक है, ठीक। ये लफ्ज ये जिक्र हुआ। तो हाँ, अब यहाँ क्या कहें आप,
कि वो हर दिन किसी काम में है, तो कमाना क्या लेंगे? इससे हम और आप क्या समझेंगे? का हर दिन और हर लम्हा हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला के कुदरत, अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत के आसार जाहिर होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत के आसार इस दुनिया में हर लम्हा जाहिर फरमाता, हर लम्हा जाहिर फरमाता। अगर एक लम्हा भी खाली रह जाए काफिर, वो तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। रब तबारक व ताला का फजल, अल्लाह तबारक व ताला का करम और उसका फैसला ना हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं इसकी मिसाल कुरान से देता हूँ आपके सामने, लेकिन इसको पहले खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस आयत के बारे में जो इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल यौमिन व फी शअनी के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की शान ये है कि वो गुनाहों को बख्शता है। शअनी का लफ्ज जो है ना कि वो अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत के आसार जाहिर फरमाते हैं। वो कैसे जाहिर होते हैं? कि अल्लाह ताला गुनाहगारों के गुनाह माफ फरमाता है, जो लोग मसाइबो आलाम में तकलीफों में मुब्तला हैं उनसे उनकी तकलीफें दूर फरमा देता है। किसी कौम को वो एक लम्हे में बुलंदी अता फरमा देता है, किसी कौम को उसी लम्हे में बस्ती के गड़े में डाल दिया करता है। एक दूसरी रिवायत हजरत उबैद बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला से इस आयत के बारे में कुल यौमिन हुवा फी शअनी के बारे में मरवी है कि अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि वो परेशान हाल की परेशानी दूर फरमा देता है, जो दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल फरमा देता है, मरीजों को उनकी बीमारी दूर फरमा कर उन्हें शिफा अता फरमाता है, और मांगने वाले को अता फरमा कर उससे उसके सवाल को पूरा फरमा दिया है। ये शान अल्लाह तबारक व तआला। तो हर लम्हा, ऐसा कोई लम्हा होता है कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला से कोई ना मांग रहा हो? ऐसा कोई लम्हा होता है कि किसी लम्हे में किसी को रिस्क न मिल रहा हो? ऐसा कोई लम्हा होता है जिस लम्हे में इस कायनात में लोगों की सांसें अंदर और बाहर न जाए और न निकल रही हो? तो हर लम्हा ये अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत के आसार है, और ये अल्लाह तबारक व ताला ही तमाम कामों की तदबीर फरमाता है। कुरान में जगह जगह तदबीरुल अमर फसयकूलून अल्लाह फकुल फला तत्तकून, एक जगह, दूसरी जगह यही फरमाया तदबीरुल अमर, दूसरी जगह, तीसरी जगह फिर यही फरमाया युदब्बिरुल अमर, यानी युदब्बिरुल अमर फरमाकर किस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है? कहा लोगों हर काम की तदबीर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। और कुरान ही से एक आयत और बयान करता हूं मैं आपके सामने, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की शान खुल करके हमारे सामने आती है। क्या वहितहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हुवा व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि व मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा व ला हब्बतिन फी ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ व ला رَطْبٍ व ला يَابِسٍ इल्ला फी किताबिन मुबीन। सुभान अल्लाह। एक पत्ता यस्कुतु मिन वरकतिन, एक पत्ता भी जमीन से जब गिरता है, जमीन पे गिरता है, लेकिन दरख्त से टूटकर अगर वो जमीन पे गिरता है, अल्लाह तबारक व तआला को वो भी पता है, उसके हुक्म से होता है, बगैर उसके हुक्म के तो पत्ता भी जमीन पे नहीं टूट करके गिरता। एक और दूसरा कुरान खुद फरमाता है वला हब्बतिन फी ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ वला رَطْبٍ वला يَابِسٍ। क्या इसका माना कि समंदर के अंदर, समंदर है उसकी जो तय होती है, समंदर के अंदर क्या होता है? रोशनी होती है, अंधेरा होता है, अंधेरा होता है ना। अब अगर उस अंधेरे में कोई दाना पड़ा हो तो कोई जान सकता है इंसान के वो क्या पड़ा है? अल्लाह तबारक व ताला की जात है वो, कि अगर समंदरों की तह में भी कोई दाना पड़ा हो तो अल्लाह उस दाने को भी जानता है और उसमें क्या है उसको भी जानता है। तो ये अल्लाह तबारक व ताला की शान, मतलब ये कुरान की आयत इस अंदाज से बयान फरमाती है कि जिस अल्लाह तबारक व ताला के बारे में तुम यहूदियों ये कहते थे, उस रब की शान का आलम तो ये है कि कायनात का हर काम उसकी तदबीर से होता है और कोई चीज ऐसी नहीं कि उसके हुक्म के बगैर हो जाए, यहाँ तक के पत्ते भी दरख्तों से चढ़ते हैं वो भी उसके हुक्म के मुताबिक। और उसके शान इधर आ रहा था अल्लाह शेर या कुल अल्लाह कुल फैकुल अल्लाह तबारक व ताला की शान। ठीक, तो ये शहनी ये भी एक लफ्ज हो गया। अब इसकी एक हिकायत कहानी, इसको यूं समझिए कि एक बादशाह, बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इस आयत के माना या तो खुद बताओ या कहीं से हमको बताओ, तुम ढूंढ करके लाओ और हमको बताओ कि इसका क्या माना है। तो उसने एक दिन की मोहलत मांगी वजीर ने, कहा बादशाह सलामत एक दिन का मौका दे दीजिए, इस आयत की तफसीर में कहीं से पढ़ के लाता हूँ, सुन के लाता हूँ और आपको बताता हूँ। वो घर गया, इंतहाई परेशानी के आलम में था। घर में पहुंचा तो उसका भी एक खादिम नौकर होता है, वजीर का भी नौकर होता है, तो एक हबशी गुलाम उसका नौकर था मकान में।
तो वो वजीर की जो रंजिश थी ना, देख रहा था उसको, टहल रहा है, इसका माना तो उसे पता था नहीं, तो क्या करे, कल बादशाह को बताना भी, क्योंकि एक दिन की मोहलत ली है। तो अब वो गुलाम पूछता है, वजीर आप फरमाए, मुझे लग रहा है कि आप किसी तकलीफ में, किसी मुसीबत में, वो बताए क्या मसला है। तो वो वजीर अपने गुलाम से कहता है, पूरी बात सामने रखता है कि इस तरह बादशाह ने मुझे इस आयत का माना और मतलब बताने के लिए कहा। तो फिर वो गुलाम क्या कहता है, चलिए मैं उसके माना बादशाह को खुद ही समझा देता हूँ, मुझे ले चलिए अपने साथ, जब आपने कहा ना एक दिन का वक्त, तो कल मोहलत खत्म होने से पहले मुझे ले चलिए, मैं ही खुद बादशाह को इसका माना समझा देता हूँ, ठीक है। वजीर ने उस हबशी गुलाम को बादशाह के सामने पेश कर दिया। अब बादशाह ने वो आयत पढ़ी, अभी ये गुलाम उसकी तर्जुमानी करता है कि अल्लाह की शान के बारे में बयान फरमाना है, कुल यौमिन हुवा फी शान, हर लम्हा उसकी कुदरत के आसार जमाने में फैले हुए हैं, का वो क्या है, का वो अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि वो रात को दिन में दाखिल कर देता है, सुभान अल्लाह, दिन को रात में दाखिल कर देता है, फिर मुर्दे से जिंदा निकालता है, और फिर जिंदा से मुर्दा, बीमार को तंदुरुस्त, और तंदुरुस्त को फिर बीमार कर देता है, मुसीबत ज़दा को रिहाई दे देता है, और जो आजाद है उसको मुसीबत ज़दा कर देता है, आजाद को कैद में और कैद को आजाद कर देता है, आका को गुलाम और गुलाम को आका कर देता है। ये तफसील खत्म हुई ना, तो फिर बादशाह खुश हो जाता है, अपने वजीर को कहता है, जो वजारत का ओहदा मैंने तुम्हें दिया था अपने गुलाम को दे दो। अब फिर मदद करिए बादशाह को, कहता है कि बादशाह सलामत, ये भी मेरे रब की एक शान है कि कल तक मैं इसका गुलाम था और ये मेरा आका था, आज मैं इसका आका और ये मेरा गुलाम बना बैठा। वजारत चल करके गुलाम के पास आ गई, तो गुलाम वजीर बन गया, और जो कल तक वजीर था वो गुलाम बन गया। ये भी मेरे रब की शान है, जो तुम शान पूछते थे ना कि अल्लाह तबारक व तआला के शान के मजहर और अल्लाह तबारक व तआला की शान का क्या आलम है, का एक लम्हे में वो बदल देता है चीज़। उसके इन पर इस दुनिया की इन चीजों में गौर व फिक्र करें, अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के आसार जगह जगह मौजूद है, इनमें हम और आप गौर व फिक्र करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हमें हासिल होती चली जाएगी। फिर फरमाते हैं तबारक व तआला, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो ए जिन्न व इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों, अल्लाह तबारक व तआला की किसी नेमत का हम इनकार नहीं करते। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम नेमतें तेरी ही हुई है, हम इस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरा ही हुक्म के तू शुक्र करने वालों को और नेमत देता है। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा इल्म और तौफीक अता फरमाए, हमारे कहने सुनने में अहमद सबूर के खता हुई हो, अल्लाह सबजत अपने हबीब के सबियों से माफ फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खुल्क محمد وعلى آله وصحبه